गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैंने ग्रामर में नंबर्स कल बताई थी, तो उसमें मैंने नंबर्स बताई थी, नंबर्स टू सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर बताई थी। तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर का कल डिफिनेशन मैंने बताई थी, और मैंने ये बताई थी कि मतलब नंबर्स बनाने का जो सिस्टम है, 6-7 नियम है, उसमें मैंने आज बताती है, ठीक है। पहला नियम, पहला जो है यानी एक वचन से बहुवचन बनाने का तरीका, पहला सिस्टम जो है, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में, जिसे सिंगुलर जिस सिंगुलर नाउन के अंत में जिस सिंगुलर नाउन के अंत में एस एच सी एच एक्स डबल एस एंड एस रहे, तब ई एस जोड़कर रहे, तब ई एस जोड़कर एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। क्या लिखा है कि जिस सिंगल नाउन के अंत में एस एस सी एच एक्स डबल एस एन एस रहे, तब ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्लास क्लास है ना, डबल एस, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी एल ए डबल एस ई एस क्लासेस, ठीक है। दूसरा बॉक्स, दूसरा बॉक्स, यहाँ भी एक्स है तो बॉक्सेस बी ओ एक्स ई एस बॉक्सेस, ठीक है बच्चों। आप लोग को ये नियम अच्छी लग रही है, तो इसी टाइप से दूसरा नियम और बताती है। ये पहला नियम है, ठीक है। दूसरा नियम, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में अंत वाई रखता है, और वाई के पहले, और वाई के पहले भरे रहे, तब जिस सिंगल नाउन के अंत में वाई रहता है, वाई के पहले भरे रहे, तब यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को। एग्जाम्पल एग्जाम्पल बॉय, वाई है और वाई के पहले वो क्या है, ये वो क्या है, कंसोनेंट है, भवेल भवेल है, तो क्या पता है इसमें क्या हो जाएगा, बी ओ वाई एस, ठीक है। क्या हो गया, बी ओ वाई है, बुआ है, क्या हो जाएगा, बुआ एस लगेगा। तो ये मैंने दो नियम बताई है, ठीक है। एग्जाम्पल में एक आठ और ले लेते हैं, बुआ हो गया, सबसे पहले आप लोग कंसोनेंट और भवेल जान रहे हैं, भवेल, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये जितना वाई के पहले भवेल रहेगा, तो यस सिर्फ जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। तो आज का मेरा वीडियो दो यहीं समाप्त करती है, मैंने दो नियम बताए हैं, इसी के आधार से मैंने क्वेश्चन भी सेंड करूँगी, ठीक है।